दो बातें जिनका आप खास ध्यान रखेंगे अगर आप पेपर 3 BMRS में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। पहली बात, जरूरी नहीं है कि पूरा पेपर सेक्शन वाइज डिवाइडेड आए, जैसे कि मैथ, स्टैट्स और रीजनिंग में हो सकता है पेपर कंबाइन आए, हो सकता है पेपर सेक्शन वाइज आए। अगर पेपर सेक्शन वाइज आता है, जिस सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग, तो सबसे पहले रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व करें। दूसरी बात को ध्यान रखें, हर क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से सेट किया जाता है कि 10-15 क्वेश्चंस टफ होते हैं, वो सभी के लिए टफ होते हैं। अगर शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको अपने पेपर में, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। याद रखो, 80% पेपर ऐसा होता है जो डिसाइड करता है स्टूडेंट फेल होने वाला है या पास, ना कि वो 15-20% बचा हुआ पेपर जो जानबूझकर टफ सेट किया जाता है। इसलिए जहां पर भी अगर आप अटक जाते हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को छोड़ते चले जाओ। अगर आ रहे हैं क्वेश्चंस सॉल्व कर दो, नहीं आ रहे हैं, टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स एंड मूव ऑन। जितने क्वेश्चंस आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आगे पेपर इजी होता जाएगा। उस पेपर को सॉल्व कर लो और फिर बचे हुए टाइम में जो क्वेश्चंस आपने शुरू में छोड़े थे उन पे वापस आ जाओ। ट्राई करो उन्हें सॉल्व करने की, होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो भी इजीली आप पास कर सकते हो। बस थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। आई होप दिस हेल्प्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।